हेलो दोस्तों, हमारे चैनल VS ऑनलाइन टिप्स में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जांजगीर चांपा जिले के सभी कॉलेज और रायगढ़ जिले के सभी कॉलेज पहले बिलासपुर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते थे, लेकिन दोस्तों इस सत्र से जांजगीर चांपा और रायगढ़ के सभी जिले एक नई यूनिवर्सिटी यानी नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी रायगढ़ हो गई है। तो दोस्तों, अब से जो है ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने के लिए शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय से हमें ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे कि आप शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय में अपना एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे सबमिट कर सकते हैं, सारा डिटेल इस वीडियो में होने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय में अपना एडमिशन फॉर्म सबमिट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के ब्राउजर को ओपन करना है। सर्च टैब पर आकर दोस्तों आपको नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी लिख के आपको सर्च कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने एक पहला वेबसाइट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको snpv.ac.in यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आप शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर इस प्रकार से चले जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर आपको सबसे नीचे एक दिख रहा होगा ऑनलाइन पोर्टल कॉलेज स्टूडेंट, उसके बगल में न्यू करके एक फ्लैश हो रहा है, यहाँ आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस प्रकार से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। आपको दोस्तों थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पर आप नोटिस बोर्ड देख सकते हैं। उसके बाद जैसे थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको एक ऑनलाइन एडमिशन 2021-22 का एक पॉपअप शो हो रहा होगा, यहाँ आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप इस प्रकार से एक पेज में आ जाएंगे। दोस्तों, यहाँ हमें लॉगिन करने के लिए बता रहा है, लेकिन दोस्तों हमने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो इसलिए लॉगिन हम लोग बाद में करेंगे। इसलिए थोड़ा सा जैसे ऊपर आएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे एक साइन इन और एक साइन अप का ऑप्शन दिया, तो अब हमें साइन अप पर क्लिक करना है। उसके बाद हमारे सामने इस प्रकार से एक नीचे वाला पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों, इसमें बताया जा रहा है कि अगर आप दोस्तों पीजी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप यूजी लिखा है वहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, लेकिन दोस्तों आप 12वीं किए हैं अगर आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको 12th लिखा है वहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको स्ट्रीम पूछा है कि आप 12th किस सब्जेक्ट से किए हैं, तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट स्ट्रीम पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख लेना है आर्ट साइंस जो भी है आपका, तो यहाँ मैं दोस्तों साइंस मैथ्स डाल देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या आपने सत्र 2020-21 में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की है। अगर दोस्तों आपने किया है तो यस पर डालेंगे और नहीं किया है तो आपको नो पर डाल देना है। चलिए यहाँ यस पर डाल दें। उसके बाद यहाँ जो है 12th का अपना रोल नंबर डाल देना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको रोल नंबर डाल के नीचे जो सर्च का बटन, यहाँ आपको सर्च कर देना है। दोस्तों, यहाँ पर आपका नाम और सारा डिटेल शो हो जाएगा। अगर शो नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे रोल नंबर पे शो हो रहा है, बहुत सारे रोल नंबर पे शो नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, इसके बाद आपको स्किप टू प्रोसेस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप स्किप टू प्रोसेस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस प्रकार से एक रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। दोस्तों, आपको नीचे आना है और यहाँ सबसे पहले देखने को मिल जाएगा आपको कोर्स का सेलेक्ट कर लेना है कि अगर कॉलेज में आप किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर जैसे सिलेक्ट करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। बीएससी पार्ट वन पर यहाँ पर मैथ्स ग्रुप पर मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। आप देख लेंगे दोस्तों कि आप इनमें से कौन सा कोर्स करना चाहते हैं, इसको ध्यान से आपको भर लेना है। तो चलिए मैं बीएससी पार्ट वन मैथ्स ग्रुप पर डाल देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आपको अपना पूरा डिटेल देना होगा, कक्षा 10वीं और 12वीं के जो अंक सूची में है उसी प्रकार से यहाँ आपको नाम, मिडिल नेम और लास्ट नेम देना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपना फादर्स नेम का पूरा डिटेल देना होगा और यहाँ आपको मदर्स नेम का पूरा डिटेल देना होगा। और यहाँ पर आपको जेंडर सिलेक्ट, कैंडिडेट का नाम डाल दिया, फादर्स नेम डाल दिए, साथ ही यहाँ मदर्स नेम भी डाल दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जेंडर पूछेगा, आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है अगर आप मेल है, फीमेल हैं या थर्ड जेंडर है, तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना अपने हिसाब से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कैटेगरी पूछेगा, कैटेगरी में दोस्तों एससी, एससी, ओबीसी आप जो भी हैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका जो है 10th के मार्कशीट में जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसी के अनुसार यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर मैंने डेट ऑफ बर्थ डाल दी है। उसके बाद यहाँ पर आपका कितना एज हो रहा है वो सारे शो हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको अपना ईमेल आईडी दे देना है। ईमेल आईडी देने के बाद दोस्तों यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर दे देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सेंड ओटीपी लिखा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे, आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी आ जाने के बाद आपको यहाँ पर ओटीपी डाल देना है और उसके बाद आपको वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यूर मोबाइल नंबर वेरीफाइड सक्सेसफुल का एक नीचे में मैसेज आ जाएगा, आपको यहाँ फिर सेव पर क्लिक कर देना है।
तो दोस्तों इस प्रकार से आपका डियर करके नाम आ जाएगा और आपको बगल में एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आपको लॉगिन करना है, लॉगिन करने के लिए आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। आप दोस्तों यूज़र आईडी और पासवर्ड से भी लॉगिन कर सकते हैं, नहीं तो दोस्तों आप यहां से यूज़र आईडी और अपने मोबाइल नंबर और अपना डेट ऑफ बर्थ डालकर भी लॉगिन कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहां पर मैं यहां चुन लेता हूं, यहां पर सबसे पहले मैं अपना ईमेल आईडी डाल देता हूं और यहां पर जो है पासवर्ड जो क्रिएट किए थे वो डाल के यहां पर लॉगिन हो जाता हूं। दोस्तों यहाँ पर मैंने अपना यूज़र आईडी डाल दिया है जो यहाँ पर ऊपर शो हो रहा है, साथ ही दोस्तों जो मोबाइल में एक पासवर्ड आया है उसको भी डाल दिया है। उसके बाद आई एम नॉट रोबोट पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यह इस प्रकार से टिक हो जाएगा, उसके बाद यहाँ साइन इन पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से एक पेज आएगा, यहाँ आपको पूरा डिटेल देखिएगा। यहाँ दोस्तों आपको नाम देखने को मिल जाएगा, आपका एग्जामिनेशन कि आपको इन कोर्स में अप्लाई किए हैं, साथ ही दोस्तों आपको कितना फीस रजिस्ट्रेशन फीस लगेगा, सारे डिटेल यहाँ पर आपके सामने शो हो गए। दोस्तों आपके यहाँ पर आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के लिए दोस्तों यहाँ प्रोसेस टू पेमेंट लिखा है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों आपको मैक पेमेंट पर फिर से क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप मैक पेमेंट पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से एक पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। यहाँ दोस्तों आपको अपना पेमेंट कर देना है। यहाँ दोस्तों अगर आप कूपन कोड है तो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आपको थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ आपको नाम और सारे डिटेल देखने को मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों यहाँ पहले आपको एड्रेस डालना पड़ेगा, तो चलिए मैं एड्रेस डाल देता हूँ। से लिखा मिलेगा यहाँ दोस्तों आपको अपना पूरा एड्रेस दे देना है, पिन कोड दे देना है, डिस्ट्रिक्ट दे देना है, साथ ही दोस्तों आपको यहाँ पर अपना नेशनलिटी चूज लेना है कि इंडिया की कहाँ है। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना कार्ड का डिटेल देना है। अगर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग किसी भी तरीके से पेमेंट करना चाहते हैं यहाँ आपको डिटेल दे देना है। यहाँ दोस्तों पर आपको कार्ड का नंबर देना है, नीचे आपको एक्सपायरी डेट देना है, नीचे आपको सीवीसी देना है। सीवीसी देने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मैक पेमेंट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक OTP आएगा, आपको OTP डाल देना है। दोस्तों आपको OTP डालने के बाद आपको नीचे आना है और आपको वेरीफाई के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको जो है पेमेंट का इस प्रकार से प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगा, आपको प्रोसेसिंग तक वेट कर लेना है। पेमेंट सक्सेसफुल हो जाने के बाद आपको फिर से जो लॉगिन वाले पेज पर आ जाना है, आईडी और पासवर्ड डाल लेना है और यहाँ पर फिर से इसको साइन इन कर देना है। दोस्तों साइन इन करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें फिर पर्सनल डिटेल ऑफ एप्लीकेंट लिखा है, आगे यहाँ देख सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आपका जो है पूरा आप डिटेल देख लेंगे कि किसी डिटेल में कोई जो है गलती थोड़ी है, सारा डिटेल आपको चेक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको कोई गलती है तो एडिट पर क्लिक करेंगे, अगर सब सारे डिटेल सही हैं तो आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से एक दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए मांग रहा है, तो दोस्तों आपको अपना फोटो और सिग्नेचर को इस प्रकार से अपलोड कर देना है। दोस्तों सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको जो फोटो और सिग्नेचर की साइज़ को प्रॉपर वे में क्रॉप कर लेना है। तो दोस्तों आपको फोटो सिग्नेचर कैसे जो है साइज कम करना है, कैसे क्रॉप करना है, सारा डिटेल एक वीडियो में मैं बना दी हूँ। वीडियो के लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से उस प्रकार से जो फोटो को एडिट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप अपलोड करके यहाँ से आप यहाँ पर आपको सेव पर करना है। सेव करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से जो है एक अलग पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए डाल रहे हैं तो आपको जो है कॉलेज यानी यूजी का पूरा जो है डिटेल डालना पड़ेगा। अगर आप यूजी कोर्स के लिए यानी स्नातक के लिए डाल रहे हैं तो दोस्तों आपको ट्वेल्थ का पूरा डिटेल यहाँ पर देना पड़ेगा। तो सबसे पहले टाइप ऑफ एग्जामिनेशन लिखा है, यहाँ सेलेक्ट करेंगे और दोस्तों यहाँ पर हमें ट्वेल्थ है तो ट्वेल्थ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें नेम आप स्कूल इंस्टीट्यूट की आपके स्कूल इंस्टीट्यूट का नाम डाल देने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर ग्रुप दिखेगा या स्ट्रीम दिखेगा, यहाँ आपको सिलेक्ट करना है और आप ट्वेल्थ में जो सब्जेक्ट लिए थे उसको यहाँ पर डाल देना है। चलिए मैं यहाँ पर साइंस मैथ्स डाल देता हूँ। उसके बाद दोस्तों ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, आप ट्वेल्थ का कितने ड्यूरेशन यानी अवधि होता है, कितने साल तक होता है, तो ट्वेल्थ एक साल का तो होता है तो एक ईयर डाल देंगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सब्जेक्ट लिख देना है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, इस प्रकार से दोस्तों आपको यहाँ पर लिख देना है। लिखने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर बोर्ड्स ऑफ यूनिवर्सिटी, आपको यहाँ से बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है कि दोस्तों आप किस बोर्ड से अपना ट्वेल्थ किए हैं। तो दोस्तों यहाँ से CGBSE यानी छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आपको सेलेक्ट कर लेना है। इस प्रकार से आएंगे और आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन रायपुर, यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है।
उसके बाद दोस्तों आप कौन सी ईयर पे पास हैं वहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, जैसे 2021 तो आपको 2021 पर सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपना इनरोलमेंट नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर देना पड़ेगा, जो आपको दोस्तों अपने एडमिट कार्ड पे मिल जाएगा। उसके बाद आपको रोल नंबर देना है, जो आपके एडमिट कार्ड पे मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर रिजल्ट पर सिलेक्ट करेंगे, आप अगर पास हैं तो यहाँ पर पास पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों ट्वेल्थ का कितना टोटल मार्क, यानी यहाँ पर आपको 500 लिख देना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्टेन की 500 में कितना नंबर मिले आपको यहाँ पर नीचे देना पड़ेगा। उसके बाद परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको डिवीजन देना है कि आप फर्स्ट डिवीजन है कि सेकंड डिवीजन है। सारा डिटेल दे लेने के बाद आपको नेक्स्ट पर बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस प्रकार से एक पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें हमें सारा डिटेल्स दिखाई देने लग जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस प्रकार से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। बाद यहाँ पर आपको क्लास 10th का जो है सारा डिटेल सबमिट करना पड़ेगा। सबसे पहले एग्जामिनेशन टाइप में आना होगा और यहाँ पर आपको 10th क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ स्कूल का नाम देना होगा। दोस्तों यहाँ पर जो है 10th में ग्रुप नहीं होता तो आपको नॉन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ड्यूरेशन में 1 ईयर दे देना है। दोस्तों यहाँ पर आपको 10th के सारे सब्जेक्ट्स का नाम लिख देना है। उसके बाद यहाँ से फिर से बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है, छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। यहाँ से दोस्तों आप एग्जामिनेशन कौन से साल में पास हुए हैं, तो यहाँ से 2019 डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ से जो आपका जो है मार्कशीट में एक इनरोलमेंट नंबर होता है वो डालना है, रोल नंबर डालना है, और यहाँ पर रिजल्ट पे आपको पास पर सेलेक्ट करना है, और ये ऑप्टेन मार्क का और नीचे परसेंटेज लिख के आपको फिर से सेव एंड एड एंड से ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने इस प्रकार से सारे डिटेल्स शो होकर आ जाएगा। आपको देख लेना है, अगर कोई गलती हो तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं और उसको फिर से हम सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद हमें नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे सामने इस प्रकार से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों इसमें आपको अपना इंस्टीट्यूट यानी अपने कॉलेज का सिलेक्शन करना है कि आपको किन किन कॉलेज में फॉर्म अप्लाई करना है। दोस्तों आप सब लोगों को पता ही है कि 12th में अभी सभी का घर बैठे एग्जाम हुआ, जिसमें सभी का हाई परसेंट आया, तो दोस्तों सारे कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो जाएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों आपको अधिक से अधिक कॉलेज को सेलेक्ट कर लेना है, जिससे आपको जो है कॉलेज आसानी से मिल सके। जैसे दोस्तों आपको नीचे आना है, आपको सिलेक्ट इंस्टीट्यूट का ऑप्शन दिखेगा। दोस्तों यहाँ पर जांजगीर चांपा और रायगढ़ जिले के सारे कॉलेज के नाम दिखेंगे, तो दोस्तों आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है कि हमें इस यहाँ पर कॉलेज करना है, हमें यहाँ पर सीट मिल सकती है। तो दोस्तों चलिए मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एड इंस्टीट्यूट के का एक ऑप्शन आएगा, इस पर आपको कर लेना है। करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस प्रकार से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद देख सकते हैं दोस्तों इसमें क्या क्या जो है सब्जेक्ट है सारे यहाँ पर आ जाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कंपलसरी है हिंदी इंग्लिश। उसके बाद दोस्तों स्लाइड करेंगे ग्रुप बी में, यहाँ आप मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री याद ले सकते हैं, या तो दोस्तों आपको यहाँ से इन्वायरमेंटल एक एडिशनल सब्जेक्ट्स हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री पर क्लिक कर दें। दोस्तों यहाँ कंप्यूटर साइंस नहीं है, और यहाँ पर लास्ट हमें इन्वायरमेंट पर क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर हमें सेव के बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों वह कॉलेज हमारे सामने इस प्रकार से सेव हो जाएगा। सब्जेक्ट फॉर इंस्टीट्यूट हैव बीन एड सक्सेसफुल आ गया। नीचे आने पर आप देख सकते हैं दोस्तों इस प्रकार से जितने भी हम कॉलेज एड किए हैं सारे यहाँ के लिस्ट यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो दोस्तों आज आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज सेलेक्ट कर लेना है। चलिए दोस्तों मैं और कॉलेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस प्रकार से एक पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ आप देखेंगे नीचे दोस्तों यहाँ NSS या NCC जो भी में आप अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप इनमें से सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप इनमें से पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको नॉन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों आपको इस प्रकार से नीचे आना है, और यहाँ पर आपको सेव और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस प्रकार से स्ट्रीम चेंज का ऑप्शन आ जाए, यानी आप पर अगर आप स्ट्रीम को चेंज करना चाहते हैं तो आपको जो है 5% का यहाँ लॉस हो जाएगा, यानी आपके परसेंट में से 5% कम हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर नहीं करना चाहते हैं, अगर आप मैथ्स हैं तो मैथ्स ही पढ़ाई करना चाहते हैं, बायोलॉजी से नहीं करना चाहते, तो दोस्तों यहाँ पर आपको नो पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार से आपका जो है टोटल परसेंट शो हो जाएगा। आपको नीचे आना है, और यहाँ पर फिर से आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। आप सेव करके जैसे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस प्रकार से एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ आप चाहें तो अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, यानी यहाँ दोस्तों आप 10th 12th
के सर्टिफिकेट को अपलोड कर सकते हैं, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है दोस्तों, आपको अगर चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद इस प्रकार से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको पूरा डिटेल देखने को मिल जाएगा। आपको देख लेना है कि आपको जो है सारे जो डिटेल है सही हैं या नहीं दोस्तों। यहाँ आप यहाँ से भी एडिट करके इसमें सुधार कर सकते हैं। नीचे आना है, नीचे आने के बाद आपको यहाँ जो है नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद दोस्तों आप इस प्रकार से एक डिक्लेरेशन, एप्लीकेशन का डिक्लेरेशन देखने को मिल जाएगा। आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको आई एग्री एंड एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको फिर से यहाँ से एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। वो प्रिंट रिसिप्ट का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका जो है पेमेंट का रिसिप्ट, यहाँ से आप जो है इसको पीडीएफ रूप में सेव कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको फिर से बैक पे चले आना है। बैक पे चले आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कॉलेज, जितने भी आप कॉलेज डाले हैं सारा यहाँ पर दोस्तों नीचे प्रिंट का बटन दे रहा है। तो दोस्तों आपको जिस कॉलेज में मिलेगा, यानी जिस कॉलेज में आपका सीट अलॉटमेंट होगा, उस कॉलेज को दोस्तों आपको यहाँ से प्रिंट के बटन पर प्रिंट करना है। प्रिंट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है कि ये जो है आपका पूरा डिटेल है। उसके बाद दोस्तों इसको जो है आपको पीडीएफ फाइल में यहाँ से सेव कर लेना है। सेव करने के बाद दोस्तों या जो है इसको कॉलेज में आपको जब एडमिशन होगा तो जाएंगे, इस रिसिप्ट को आपको देना पड़ेगा। इस प्रकार से आप मोबाइल से ही सारा जो है फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों यह फॉर्म पूरी तरीके से सक्सेसफुल सबमिट हो गया है। दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।